Hello students, I am Ruchika Gupta from English Academy. Today we study a lesson in English for students of class 9th. This is a poem from your Beehive book. The name of the poem is The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. सबसे पहले टाइटल डिस्कस करते हैं. टाइटल इज वेरी क्लियर. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डक एंड अ कंगारू एंड दैट इज व्हाई द टाइटल इज गिवन द डक एंड द कंगारू. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस प्रोसीड टू द पोएम. स्टैंजा वन. सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वॉटर टू एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो इस स्टैंजा में फर्स्ट और लास्ट लाइन सेम है, रिपीट हो रही है. नाउ बिफोर द एक्सप्लेनेशन लेट अस सी द डिफिकल्ट वर्ड्स. नैस्टी ओवर हियर मीन्स बैड, समथिंग विच यू डिसलाइक, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट. तो यहां पर डक कंगारू से बात कर रही है. वो कहती है गुड ग्रेशियस. गुड ग्रेशियस मीन्स ओ माय गॉड, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज. और आप हैरान है उस चीज को देखकर. और वो किस चीज से हैरान है? कंगारू के हॉप करने के तरीके को देखकर डक हैरान है. वो कहती है कि तुम कितने अच्छे से हॉप करते हो, कितने अच्छे से जंप करते हो. तुम सारी फील्ड्स में, वाटर बॉडीज में जंप करते रहते हो और तुम नॉन स्टॉप जंप करते हो. ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं. उसके बाद डक अपनी स्टोरी सुनाती है. वो कहती है मेरी लाइफ बोरिंग है. बोरिंग क्यों है? क्योंकि वो हर वक्त उस पॉन्ड में ही घूमती रहती है. वो कभी भी पॉन्ड से बाहर नहीं गई. हम भी इस डक के साथ रिलेट कर सकते हैं. इफ वी हैव टू स्टे ऑल द टाइम इन वन प्लेस ओनली, we start getting bored and we feel that that place is not good. We always want a change and similarly duck ko bhi ek change chahiye. Wo pond mein hi ghoom ghoom kar bore ho gayi hai. Fir wo kehti hai I long to go out in the world beyond. Long means I have a desire. Meri ek chahat hai ki main pond se bahar niklu aur bahar ki duniya dekhu. And then the duck says I wish I could hop like you. तो डक कंगारू को कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकती, जंप कर सकती और इस पॉन्ड से निकल के बाहर की दुनिया देख सकती. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी'd गो टू द डी एंड द जेली बोल ली over the land and over the sea. Please take me a ride, Odu, said the duck to the kangaroo. Now in this stanza further, duck अपनी चाहत कंगारू को express कर रही है. वो उसे कहती है कि मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और घूमने लेकर चलो. और वो उसको assure करती है. वो कंगारू को कहती है कि मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ quack करूंगी. Quack is the sound which is produced by a duck. We all know ducks quack. वो कहती है मैं सिर्फ क्वैक करूंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगी और पूरा दिन ऐसे ही तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं घूमना चाहती हूँ. फिर वो कहती है कि हम घूमते हुए कौन कौन सी जगहें विजिट करेंगे. वो कहती है वील गो टू द डी एंड द जेली बो ली. एक्चुअली ये कोई प्लेसेस नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट. दीज आर इमेजिनरी नेम्स यूज्ड बाय द पोएट. दीज आर द प्लेसेस दैट द डक वॉन्ट्स टू विजिट व्हेन इट सिट्स ऑन द कंगारूज बैक. और फिर वो कहती है कि हम ऐसे ही हॉप करते हुए सारे लैंड को क्रॉस करेंगे और सी तक जाएंगे. और फिर फर्दर वो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती है कंगारू को कि प्लीज मुझे एक राइड के लिए ले चलो. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट आंसर. सेड द कंगारू टू द डक. अब कंगारू डक को कुछ रिप्लाई कर रहा है. दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. And there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. Reflection here means thought.
to think over something, to ponder over something. The next word is rheumatiz. What is rheumatiz? Rheumatiz refers to rheumatism. Rheumatism is a disease of joint pain. जब बॉडी के जो अलग अलग जॉइंट्स हैं उनमें दर्दें होती हैं उसे रूमेटिज्म कहते हैं. यहां पर पोएट ने रूमेटिज्म की जगह रूमेटिज वर्ड यूज किया है. दिस इज अ पोएटिक लाइसेंस. पोएट्स को ये पोएटिक लाइसेंस दिया जाता है कि वो किसी भी वर्ड को राइम और रिदम में सेट करने के लिए थोड़ा चेंज कर सकते हैं. दैट इज वाई पोएट ने भी यहां पर रूमेटिज्म को रूमेटिज लिखा है. नाउ इन दिस स्टैंजा कंगारू सेज कि मुझे इस बात पे थोड़ा सोचना पड़ेगा. हो तो सकता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाऊं और घूमने लेकर जाऊं तो वो चीज मेरे लिए लकी होगी, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है. एंड वॉट इज द ऑब्जेक्शन? वो कहता है कि अगर तुम मुझे परमिशन दोगे तो मैं हिम्मत इकट्ठी करके ऑब्जेक्शन तुम्हें बताऊंगा. और वो ऑब्जेक्शन ये है कि तुम्हारे पैर बहुत ज्यादा गीले और ठंडे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे गीले ठंडे पैर मेरी बॉडी पर पड़ेंगे तो उनकी वजह से मुझे बॉडी पेन्स और जॉइंट पेन्स यानी कि रूमेटिज्म हो जाएगा. सो दिस इज द रिप्लाई गिवन बाय द कंगारू. इन द नेक्स्ट स्टैंजा सेट द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली. And I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I bought a cloak and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Now here, cloak means a shrug, a covering. Something like a gown which you wear on top. Now here the duck says कि मैं रॉक्स के ऊपर बैठी हुई थी और मैं भी इसी बात के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने worsted socks के 4 pairs खरीदे हैं. worsted क्या हुई? जैसे कि duck के feet होती है webbed feet, तो ऐसी shape की socks उसने खरीदी हैं, उसके 4 pairs उसने खरीदे हैं और वो उसको अच्छे से fit आएंगे. और फिर वो कहती है कि ठंड से दूर रखने के लिए मैंने एक cloak यानी कि एक shrug भी खरीदा है जिसे मैं पहन लूंगी, और हर रोज मैं एक सिगार स्मोक करूंगी ताकि मुझे ठंड ना लगे. और वो कहती है कि ये सब मैं इसीलिए करूंगी क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम बीमार ना हो और तुम मुझे घुमा भी सको, इसलिए मैं ये सब प्रिकॉशंस लूंगी. तो ये सब बातें डक कंगारू को कहती है. वो उसे अश्योर करना चाहती है कि वो अपना ध्यान रखेगी और ये भी ध्यान रखेगी कि कंगारू को बॉडी पेन्स और जॉइंट पेन्स ना हो. इन द नेक्स्ट स्टैंजा said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck sits steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Finally, kangaroo ne duck ko kaha ki theek hai, agar tumne itni taiyari ki hai to main bhi taiyar hoon. और रात के समय जब मूनलाइट फैली हुई थी, पेल का मतलब क्या होता है? वीक. तो जो मूनलाइट होती है वो वीक होती है ना, हल्की सी, स्लाइट सी, इसलिए उसको मूनलाइट पेल कहा गया है. तो दोनों घूमने के लिए चल पड़े, लेकिन कंगारू ने डक को कहा कि बैलेंस बनाने के लिए टिक कर बैठी रहना, हिलना मत, और मेरी टेल के बिल्कुल एंड पर बैठ जाओ जैसे यहां पर आप देख सकते हो. तो ऐसे दोनों पूरी वर्ल्ड का चक्कर लगाकर आए 3 बार. तो दोनों बहुत खुश थे और ऐसे ही हॉप करते करते उन्होंने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया. एंड देन बोथ द डक एंड द कंगारू वर वेरी हैप्पी. सो लाइक दिस द पोएम कम्स टू एन एंड. पोएम में हमने क्या देखा कि डक ने दुनिया घूमने की चाहत कंगारू को एक्सप्रेस की और उसने कहा कि तुम कितने लकी हो, तुम हॉप कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी टेल पर बैठकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ. कंगारू ने कहा कि मुझे डर है कि तुम्हारे गीले पैरों की वजह से मुझे रूमेटिज्म ना हो जाए, तो डक ने उसे एश्योर किया कि मैंने सॉक्स खरीदी हुई हैं, मैं श्रग पहनूंगी और मैं सिगार स्मोक करूंगी जिससे कि मुझे ठंड ना लगे और मेरी वजह से तुम्हें ठंड ना लगे. उसके इस प्लान से कंगारू कन्विंस था और कंगारू ने डक को अपनी टेल पर बिठाया और दोनों ने 3 बार पूरी दुनिया के चक्कर लगाए. दोनों बहुत ज्यादा
खुश थे। Now we'll discuss the literary devices. सबसे पहले तो poem की rhyme scheme क्या है? The rhyme scheme in stanza 1 is A, B, A, B, C, C, A, A. Let us see the words kangaroo, to, you, kangaroo. These four words are rhyming, so we call them A. Then hop and stop are rhyming, we call them B. Pond and beyond are rhyming, these are C. So rhyme scheme kya ho gayi? A, B, A, B, C, C, A, A. Now we see stanza 2. Stanza 2 ki rhyme scheme hai A, B, A, B, C, C, B, B. Let us see the words. Back and quack are rhyming, we call them A. Kangaroo, through, do, kangaroo. Ye charo rhyme kar rahe, we call them B. Lee and C are rhyming, we call them C. So the rhyme scheme is A, B, A, B, C, C, B, B. Now in the next stanza, the rhyme scheme is A, B, A, B, C, C, D, D. Duck or luck rhyme kar rahe A. Reflection and objection are rhyming B. Bold and cold are rhyming C. Roo and kangaroo are rhyming D. Similarly, in stanza 4 also the same rhyme scheme is there. A, B, A, B, C, C, D, D. Let us see the words. Rocks and socks are rhyming. Completely and neatly are rhyming. Cloak and smoke are rhyming. And true and kangaroo are rhyming. In stanza 5 also we get to see the same rhyme scheme. A, B, A, B, C, C, D, D. Ready and steady are rhyming. Pale and tail are rhyming. Bound and round are rhyming. Who and kangaroo are rhyming. So this is the rhyme scheme followed in the different stanzas of this poem. Another device used by the poet throughout the poem is refrain. Refrain is the use of a musical rhyming sentence throughout the poem. It is a kind of a repetition only. Let us look at this line. Said the duck to the kangaroo, said the duck to the kangaroo. This line has come many times in the poem. This is a refrain because these are the words spoken by the duck. Ye indicate karein ki duck ne kangaroo kuch kaha. Isiliye ise refrain kaha ja raha hai. Aur ise baar baar repeat kiya gaya hai to lay emphasis on this ke duck ne kangaroo se kuch kaha. And repetition shows the urgency of the duck's request. Duck बहुत ही ज़्यादा persistent थी, वो बार-बार kangaroo को request कर रही थी. That is why this sentence has been repeated so many times. Now at some places in the poem, we can see the use of anaphora. Anaphora is when the consecutive lines begin with the same word. जैसे कि यहाँ पर देखिए, दोनों lines and से शुरू हो रही हैं. This is anaphora. Also in the stanza, we can see enjambment. What is enjambment? जब आपका एक ही sentence continue होके next line में जा रहा है, that is enjambment. कोई punctuation mark नहीं है, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. तो एक ही sentence है जिसे दो lines में लिखा गया है, this is called enjambment. In this stanza also, we can see anaphora. Now there are instances of alliteration also in the poem. Alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. Here, good gracious. Dono words g sound se shuru ho rahe. This is alliteration. Again over here you can see how hop. Her sound is repeating in these words. In this line also you can see alliteration. Sit still. Sir sound is repeating. Again in this stanza, but to balance, bur sound is repeating in these words. And here, whole world, ver sound is repeating. So with this, we come to an end of this chapter. We have discussed the poem, I have discussed the difficult words and the literary devices used here. Thank you for watching this video. And for more such videos, please subscribe to our channel, English Academy.